तो पोली ने कहा मैं जुगाड़ लगाती हूँ, पोली जी गई है वहाँ पे, लेकिन वो वहाँ पे खड़ी है पीछे दरख्त के नीचे। वो बोले मैं वहाँ पे जाके लात लू दिखाती हूँ, क्या पता कोई फिदा हो जाए लात में। मैंने कहा तेरी कमड़ी है, लात ही पतली है। तो भाइयों अभी मैं एक नई तरकीब और सीख गया भाई, आपको दिखाता हूँ। भाई साहब आपको बता दूँ, ये कपल आया पड़ा है वर्जीनिया से, यूएसए से, और इन्होंने बोला हम यहीं से आए हैं, आप भी जा सकते हो। तो अभी यहाँ से जाने का तैयारी हो रही है भाई, देखो क्यों अभी स्टार्ट हो गया काम। तो ये एक नया एडवेंचर है भाई, अपने को तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि यार ऐसे काम तो छोटे होते हमने ना, टाली नहीं होती, टाली है उसके ऊपर कुड़ा बहुत खेटी हमने, ठीक है ना। तो ऐसे काम तो मेरे सिर भी फटा हुआ यार, गिर गया था एक बार टाली से, सिर में चोट आ गई थी, खून आ गया था। फिर उस टाइम तो यार हम घर पे भी नहीं बताते थे, अगर घर पे हमें बता देते ना तो घर वालों पर चित्र पड़ते थे हमारे, ठीक है ना। अभी तो सिस्टम ही दूजा हो गया यार, अभी तो बच्चों को थोड़े से कहने से पहले प्यार से समझाते हैं। देखो भाई हैं क्यों आ रहा है मुझे, वाह दिस इज़ ग्रेट। तो भाई ये है हाइकिंग, असली हाइकिंग हमारी ना, दिस इज़ कॉल ट्रू हाइकिंग। या तो भाई ये है हाइकिंग, दिस इज अमेजिंग एंड आई रियली लव इट। और भाई एक बात और मैं बता दूं यार, आप वीडियो देख के लाइक कमेंट तो करते नहीं हो, वो भी कर दिया करो। और दूसरी बात, ज़्यादा मज़े मत लिया करो यार, ठीक है ना। अगर मज़े लेते तो साथ में कुछ सीखा करो भी भाई, आप भी ट्रैवल स्टार्ट कीजिए और यूट्यूब भी स्टार्ट कर दीजिए, अच्छा मज़ा आएगा यार ट्रैवलिंग करने का, एक दिन आपका फ्यूचर भी सेट हो जाएगा, ये भी आपको मैं 100% बता रहा हूँ। पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा यार होता है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, वो मैनेज कर लिया तो यार फ्यूचर सेट है। वैसे भाई बताऊँ, कुछ लोग मेहनत नहीं करना चाहते, मेहनत करनी ज़रूरी है स्टार्टिंग में, एक साल मेहनत करके देखो यार। आपने 10वीं 12वीं की है, वहाँ पे भी मेहनत करते हो ना एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है ना, कोई भी स्टडी करते हो तो भी एक साल के लिए, इधर भी ले एक साल मेहनत करके देखो, अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर मेरे को बता देना। तो दुनिया बहुत सुंदर है, घूमिए, गोल है और गोल के अंदर लड्डू भी है, ठीक है ना। तो भाई हाइकिंग का पूरा हाइकिंग का पूरा मज़ा आ रहा है, ऐसे करके रास्ते हैं भाई यहाँ पे पतले पतले। अब मतलब आगे चल रहे हैं, इनको ही पता है अब कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। उस साइड में समुंदर है भाई, हाँ इस साइड में ना, अभी आपको दिखा देता हूँ यू पॉइंट, ये देखो समुंदर आ गया ना, देखो भाई। भाई एक बात बताऊँ, यहाँ पे साइन लगे हुए हैं बोर्ड, साइन मतलब तीर के निशान से नहीं होते, मतलब ये से भी आप यहाँ से जा सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी है ज़्यादा, कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई जंगली जानवर, कोई भालू, कोई कुत्ता बिल्ला नहीं आएगा, ठीक है। खाली जानवरों की आवाज़ के अलावा यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं है, देखो भाई एकदम सुनसान हुआ पड़ा है काम। साइन बोर्ड आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा अभी, ये देखो, ठीक है भी आप जा सकते हो, बट अच्छा खासा काम है यार ये भी। हम भाई रोड जाना था हमें, पर रोड क्यों नहीं गए, क्योंकि मेरे जो ग्लासेस है उनका वो कवर नहीं होता, थैली जो होती वो गिर गई थी। तो मोहतरमा ने देखी, उन्होंने बोला भाई वहाँ पे गिर गई है, मैंने देखा था, मैंने कहा चल छोड़ो यार रोड ले लेंगे, पर ऐसा एडवेंचर कहाँ मिलेगा। ये देखो भाई इस साइड जाना है, क्यों ऊपर देखो पूरा ऊपर पहाड़ है चोटी वाला, ये देखो भाई आगे पहाड़ दिखाई दे रहा है, वो देखो भाई है ना, क्या बात है, ये देखो चोटी दे पहुँचना है, वाह दिस इज़ व्यू पॉइंट ग्रेट। एंड अभी तो हमें जाना है भाई आगे तक, पसीना पसीना हो गया भाई, क्योंकि जोर भी लगता है भाई हाइकिंग करने में, ऐसा बात नहीं आसान है, आसान कुछ नहीं होता। तो भाई हम तो जा ही रहे थे, सामने से लोग और भी आ रहे हैं, हाय वेयर आर यू फ्रॉम, कोसोवो, दैट्स ग्रेट भाई, कोसोवो से आए हैं ये, ठीक है ये भी इधर से ही आए हैं, क्या बात है, है ना। तो एक बात मैं बताऊँ यार, कभी कभी ऐसा फील होता है जाके कुछ खाना पीना बनाना पड़ेगा, तो कभी कभी ये फील होता है भाई शादी सब पकड़ लेना चाहिए, है ना, थोड़ा अच्छा रहता है। गुड डे फील यार टायर्ड। तो भाई एक बात मैं आपको और बता दूँ, मतलब जैसे ये हिडन रास्ते हैं ना, वो
वहाँ पे भी कुछ होटल हॉस्टल वगैरह बने हैं भाई, तो जो लोग शांति फील करना चाहते हैं ना, उन लोगों के लिए ऐसे भाई ऐसे बने हुए हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे भी अगले जिसके पास अच्छा खासा मनी है, जो अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ना, तो वो ऐसी जगह ढूंढते हैं यार। मतलब जैसे कोविड का टाइम था, तो लोग चाहते हैं भी ऐसी जगह जाएं जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो अब यहाँ पे देखो, एक वहाँ पे है वो और एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोरोना कहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे तो लोग बहुत कम आते हैं, तो ऐसे करके लोग ऐसी जगह पे भी आते हैं, है ना। तो पता नहीं, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही भी, किसी की प्रॉपर्टी है या कैसे गवर्नमेंट है क्या है? वो चीज़ नहीं मेरे को पता लगी अभी, बाकी तो सारा कुछ ठीक है भाई। यो कर करके जैसे तैसे भी करके मतलब आ गए हैं शॉर्टकट मार के। तो ये देखो भाई, यहाँ पे भाई पूरा एकदम टॉप की ग्रास लगी हुई है और फुटबॉल का स्टेडियम बना हुआ भाई, एकदम धक्कड़ है भाई काम। यहाँ पे ये देखो भाई, मोटर होम का कैंप ही लगा हुआ है। तो ये चेक रिपब्लिक की है आई थिंक वैन मोटर होम, और यहाँ पे सड़क पर खड़ा ऐसा यार बन जाए ना बात, तो फिर तो मज़े आ जाए। अब पोली पे देखो, पोली वहाँ पे बैठ गई, पोली की तो भाई तसल्ली होगी पूरी। तो भाइयों अभी एटीएम से पैसे निकलवा के लेके आऊँ, कुछ एटीएम वर्क नहीं करते हैं भाई, आपको एक बात समझ, एक नहीं करता दूसरे के पास जाइए आपका काम बन जाएगा। तो अभी मेरे को पोली के पैसे देने थे यार, उसने सुबह रूम के पैसे उसने दिए, तो उसके बस 1800 ले आ रहे थे मेरे को, तो उसको देने थे। बाकी अभी कुछ खाने पीने के लिए सामान खरीद लेता हूँ, तो अंडा खरीद लेते हैं, अंडे भुर्जी बना के खाएंगे यार, चार अंडे ले लेते हैं, चार अंडे ही भुर्जी बना के खाएंगे, तो कुछ एनर्जी आएगी ना। तो कल हिचाइकिंग करनी है फिर मे भी, बाकी पोली को पता है यार, पोली थोड़ी सी फट जाती है ना, तो पोली काम जीप आ जाती है, ठीक है ना। तो अपना भाई ऐसा काम है नहीं, आपको पता ही, अपना तो भाई देसी काम है, ठोक देता है काम, सबका होता है यार, कोई शो कर देता है कोई शो नहीं करता, है ना। तो यही बात है, फटती सबकी है भाई। उसने बोला है हाइकिंग करनी है, हाइकिंग करनी है, तो हाइकिंग करनी है पहाड़ों पर चढ़ना है, तो भाई जोर तो लगेगा ना। फिर बोले मेरे में जान नहीं है, जान नहीं है तो यार हाइकिंग का, हाइकिंग का नाम है मतलब। चलो कोई बात नहीं, अभी यार कुछ लेते हैं यहाँ से। भाई अभी आ गए हैं यार हॉस्टल से बाहर और जा रहे हैं सरांडा की ओर, ठीक है ना। तो हिमारा, हिमारा सिटी का नाम है, मैं भूल जाता हूँ इसका नाम। तो हिमारा सिटी एक अच्छी है, छोटा सा टाउन है, बीच में हम दो दिन यहाँ पे स्टे किया है। और अभी हिमारा से जा रहे हैं हम सरांडा, सरांडा में भी देखते हैं, दो तीन दिन सरांडा में रुकेंगे, बाद में देखते हैं क्या होता है। और क्योंकि यार अभी अपने यूक्रेन का वीज़ा तो आया है आपको बता दूँ, तो हम यूक्रेन को फ्लाई करेंगे यहाँ से 17 अगस्त, मतलब 17 तारीख को फ्लाई करेंगे यहाँ से यूक्रेन को। और अच्छा खासा मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लिया, यूक्रेन का वीज़ा जल्दी मिल गया। वहाँ पे इमिग्रेशन का क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड बोलते हैं लोग, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी इस साइड से भी बस आने वाली है यार, और इस साइड में जाना है हमें, तो वेट कर रहे हैं यहाँ पे, सामान भरा पड़ा है, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जो बस अभी 12 बजे का टाइम था यार, 12 बजे से ऊपर हो गया टाइम, तो मतलब कितना टाइम ऊपर हो गया, 12 बजने वाले हैं भाई, 7 मिनट पड़े अभी, 12 बजे का टाइम है, और मैं भी बस आने वाली है अभी 7-8-10 मिनट में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं यहाँ पे, बस स्टैंड तो नहीं बना हुआ, पर ये से कार पार्किंग है, स्टॉप है, यहाँ से पे हाथ देंगे बस को, मैं भी रुक जाएगी, तो देखते हैं बाकी। तो भाइयों फाइनली बस आ गई है, और देखो यार इस पे लिखा नहीं है सरांडा, हिमारे ही लिखा है बस, बाकी पता करते हैं कहाँ के है कहाँ के। दिस इज़ फॉर सरांडा, ओके ओके, श्योर श्योर। तो भाइयों अभी क्या है बता, ट्रैफिक इतना जाम हो रखा है, ये बोल रहे हैं भी अभी कोई बस नहीं आ रही है, बस पीछे आ रही है, टाइम लगेगा सरांडा की बस। दिस इज़ नॉट सरांडा बस, या ओके। तो भाई नेक्स्ट बस में जाना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, और कोई इलाज नहीं है भाई। यार बस का तो वेट करते करते टाइम हो गया, तो सोचा ही चाहे किंग ही कर लेते हैं, यहाँ पे खड़े तो हैं क्योंकि यही मेन रोड है यार सिटी के अंदर से, तो इस साइड से जो भी ट्रैफिक आएगा उससे लिफ्ट में मांग लेंगे, अगर मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो भी अच्छी बात है, बस का वेट कर ही रहे हैं। तो एक तीर से दो निशाने ठोक रहे हैं आज, देखते हैं कौन सा तीर कौन से निशाने पे लगता है ना, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं गाड़ी आ रही है, तो उसका हिचाइकिंग के लिए ट्राई करते हैं भाई। हिचाइकिंग तो यार आज थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, मतलब कर रहे हैं ट्राई, आधा घंटा हो गया अभी कोई मिला नहीं है। तो भाई पोली ने बना लिया साइन बोर्ड, ठीक है ना, ये देखो भाई सरांडा, यू वांट टू गो टू सरांडा। मैंने बोला भाई तू दूजे तरह जो बॉलीवुड फिल्मों च नहीं आता भी साइन आए देख लत्त लत्त बार बूर कट के
मैं वो जो एक्शन देने पैने तां रोकनी लोगों ने कुछ दिखाना पैना कुछ रोकन लगा देना तां करके देखो भी गल बन जाता हूँ देखते हैं होप एवरीथिंग विल बी फाइन। और बैग बुक पड़े यार एक बंदा भाई हमारे साथ और भी है वो भी भगत बंदा है रोडा गंजा है रोडा फोडा कौन है दीवा जो वो दीवा वर्गा है एक पर चल देखो यार मज़ा आ रहा है चलो कोई भी नहीं अभी तो सनग्लासेस लगा रहे तो नहीं यार बड़ा ठंडा फील होता है ओ यार उतारने के बाद बड़ा धूप है यार चिट्टा चिट्टा होता है एकदम। चलो देखते हैं अभी ट्राई करते हैं मैं रख देता हूँ यार ये कैमरा रख देता हूँ लोग इससे डर जाते हैं कि तोप उठा रखी है बंदूक उठा रखी है ना क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही काम चलता है पिस्तौल लगता है लोगों को तो ये गोली ना मार दे इससे यार जुगाड़ तुगाड़ करके सारे यंत्र बर्त लिए काम नहीं आ रहा कोई क्योंकि यार गाड़ी आ रही है जैसे ही आ रही है मैं इसको दे रहा हूँ लिफ्ट में पर बात बन नहीं रही है क्योंकि ये कपल वाली तो रोक ही देंगे नहीं जिसमें कल्ला बंदा बुंदा होना वो रोक ले तो रोक ले भाई तो भाई नहीं रोक रहे कोई तो पोली ने कहा मैं जुगाड़ लगाती हूँ पोली जी गई है वहाँ पे लेकिन वो वहाँ पे खड़ी है पीछे दरख्त के नीचे वो बोले मैं वहाँ पे जाके लात लू खाती हूँ क्या पता कोई फिदा हो जाए लात पे मैंने कहा तेरी कमड़ी है लात ही पतली है किसी ने फिदा टट्टू होना बाकी मैं चल कोई नहीं कर ला तू मेहनत कर तू रंग लेके आ सकती है तेरी मेहनत देखो भाई अब आपका भाई मैं तो क्या लात दिखाऊँ यार ना चलो उसकी लात पे कोई फिदा होगा कोई लिफ्ट तो दे दे तो भी अच्छी बात है ना तो देखते हैं ट्राई कर रहे हैं यार ट्रैफिक तो आ रहा है ज़्यादा नहीं आ रहा स्लो स्लो आ रहा है बाकी जो होगा देखा जाएगा भाई तो एक फ़ायदा हो जाता है अगर आपके साथ ही चेकिंग में अगर लड़की हो तो अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता क्योंकि लास्ट टाइम हमने आए थे तो उसी की वजह से लिफ्ट मिल गई थी क्योंकि उससे पहले दिन मैंने ही चेकिंग की भाई नहीं मिली 7 घंटे 11 किलोमीटर पैदल चल लिया था नियर अबाउट पर नहीं मिला कोई लिफ्ट। बट आज देखो यार आज सेम वही डिटो हो रहा है वैसे हम आए थे बस के लिए आए थे पर बस यार बस बोला ट्रैफिक में जाम है पीछे फंसी हुई है तो अभी तक कोई बस का नामो निशान है नहीं बाकी देखते हैं जो भी होगा यार ना अभी लिफ्ट मांगने की ट्राई करते हैं यार कोहली भी उधर पूरी मेहनत कर रही है दिखा रही है अगली जलवा तेरा है जलवा है जलवा तेरा थोड़ा ढीला जलवा थोड़ा वधिया हो देख देख तो भाई इस साइड से त्रियाना के लिए मतलब डोरस और वलोर के लिए इस साइड से आ रही है और इस साइड से आएगा जो सरांडा के लिए आएगी तो भैया ना तो पोली की काम करे हिचाइकिंग अब तो उठा लिया बैग और बस आ गई है अच्छा खासा वेट किया वो भी थक गई भाई लात लूत दिखा के पार पड़ी नहीं लात दिखा के तो बस आ गई है या थैंक यू सो मच। तो भाई सामान रख दिया अंदर अभी बस के अंदर चढ़ गए भाई बस तो फुल यहाँ पे भी रास्ता चढ़ने के लिए तो भाई फाइनली अभी बैठ गए हैं बस में यार ठीक है ना थोड़ा सिर दर्द करने लगे यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है यार गर्मी की वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है यार आपको पता ही है तो अभी देखते हैं कितने टिकट का क्या क्या हिसाब किताब है यहाँ क्योंकि 60 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है 58 किलोमीटर भी है 58 किलोमीटर है तो बस मिल गई है फाइनली ठीक है 12 बजे का टाइम था ट्रैफिक लेट ऐसे कर करके भाई 2 बजे ज़्यादा हो गया 2 से 2:30 बजे हो गए यार टाइम हो गया अभी 3 बजे भाई 2:54 हो गए तो भाई तसल्ली पूरी हुई जरी ने पोली ने पूरी मेहनत करी पर पार ने काम नहीं पड़ी भाई सीधी बात है क्योंकि यहाँ पे वैसे ही हुसन बहुत तकड़ा है भाई ऐसे क्या लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता इसी चीज़ से ना बाकी पड़ जाता है सिटी आउट ऑफ सिटी जाते तो पड़ जाता है पर चलो जो भी हुआ ठीक हो गया अभी।